दोस्तों, जब कोई फिल्म शुरू होती है तो प्रोड्यूसर का टेंशन भी शुरू हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक वो फिल्म बनकर रिलीज ना हो जाए, क्योंकि अगर फिल्म बीच में रुक जाए तो प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान होता है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। कई बार तो वो कर्जे में डूब जाता है और कई बार उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए फिल्म शुरू होते ही प्रोड्यूसर के दिमाग में टेंशन भी शुरू हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, जब एक प्रोड्यूसर ने फिल्म शुरू करी और कंप्लीट नहीं हुई, बीच में रुक गई और प्रोड्यूसर बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं बॉलीवुड में, जब फिल्म शुरू हुई और बीच में अटक गई, लोगों को लगा कि अब ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाएगी, लेकिन वो फिल्म रिलीज हुई और सक्सेस हुआ प्रोड्यूसर। आज मैं आपको बॉलीवुड की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है दाना पानी। हाय दोस्तों, मैं हूँ सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड छलक। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा था फिल्म दाना पानी के बारे में। दाना पानी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे देवेन वर्मा, जो मशहूर एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने दाना पानी शुरू करी मिठुन को उस वक्त लेकर जब मिठुन के पास काम ज्यादा नहीं था। वो स्टार बन चुके थे लेकिन ज्यादा फिल्में नहीं थी। देवेन वर्मा साहब ने मिठुन चक्रवर्ती के बतौर हीरो लेकर फिल्म शुरू करी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने के कारण बीच में फिल्म स्लो हो गई, एक तरह से अटक गई। और दूसरी तरफ मिठुन चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, बहुत बड़े स्टार हो गए। अब मिठुन चक्रवर्ती के पास वक्त ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का डेट एडजस्ट कर पाते थे मिठुन चक्रवर्ती। ऐसे में देवेन वर्मा के पास फिर कुछ पैसे आए और देवेन वर्मा ने अपनी फिल्म दाना पानी को आगे बढ़ाने का सोचा। लेकिन तब तक मैंने जैसे बताया कि मिठुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो लोगों ने भी कहा कि अब मिठुन चक्रवर्ती रेट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं देवेन वर्मा साहब को भी लगने लगा कि अब शायद ये फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन जब ये बात मिठुन चक्रवर्ती को पता चली तो मिठुन चक्रवर्ती ने खुद देवेन वर्मा साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी फिल्म बनेगी, कंप्लीट होगी और रिलीज भी होगी। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको फ़ोन करके खुद बताऊंगा कि मेरी ये डेट फ्री है। पहले तो देवेन वर्मा को यकीन ही नहीं हुआ। उनके आसपास के लोगों ने भी कहा कि मिठुन ने ऐवें ही कह दिया है, ऐसा होता नहीं कि स्टार खुद फ़ोन करे कि मैं फ्री हूँ, मैं शूटिंग कर लूँगा तुम्हारी। लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों, मिठुन चक्रवर्ती जब भी फ्री होते सबसे पहले देवेन वर्मा साहब को फ़ोन करते कि मैं 2 दिन के लिए फ्री हूँ, 1 दिन के लिए फ्री हूँ, 4 दिन के लिए फ्री हूँ, आप अपनी फिल्म की शूटिंग कर लीजिए। और देवेन वर्मा तुरंत शूटिंग कर लेते। तो इस तरह कभी 1 दिन की शूटिंग, कभी 2 दिन की शूटिंग करके मिठुन चक्रवर्ती ने देवेन वर्मा साहब को पूरी डेट दी और भले टुकड़ों टुकड़ों में ये फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई। तो इस तरह मिठुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को, जो सबने मान लिया था कि बंद हो गई है, बंद नहीं होने दिया और कंप्लीट करके रिलीज करवाया। तब लोगों का कहना था कि भाई ये फिल्म अगर कंप्लीट होकर रिलीज हुई तो सिर्फ और सिर्फ मिठुन चक्रवर्ती की वजह से। तो ऐसे हैं हमारे मिठुन दा, किसी का नुकसान नहीं चाहते, शायद इसीलिए सुपरस्टार रहे, कई साल रहे और आज भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हैं बॉलीवुड के जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।